दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण कुमार और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो, 10th का रिजल्ट आया है जुलाई सेशन का, एंड बहुत ही बच्चों को डाउट है एंड बहुत प्रॉब्लम भी है। एंड मुझे पता है यार, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ जो बच्चों ने कमेंट किया था और मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब तो मिलना ही चाहिए। एंड बच्चों, इस वीडियो में रहने वाला है, देखो रिजल्ट तो भाई नया है, रिजल्ट जुलाई का है लेकिन मार्क्स अप्रैल का दिख रहा है। रिजल्ट जुलाई का है लेकिन मार्क्स अप्रैल का दिख रहा है, तो क्या इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, क्या मार्क्स अपडेट हो सकता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम बताने वाला हूं मैं। एंड ट्राई करूंगा कि आपको सलूशन भी दूं। एंड बच्चे बहुत कॉल कर रहे हैं बच्चे मुझे, तो बच्चे सबको पर्सनली बताना मुश्किल काम है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज ये वीडियो शेयर कर दो उन बच्चों के साथ जो आपके दोस्त हैं, तो वो भी उनके पास भी नॉलेज पहुंच जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले बात करता हूँ जो बच्चों ने कमेंट किया है, इंपॉर्टेंट कमेंट्स किए हैं, देखिए जिसका आंसर मिलना ही चाहिए। जिस बच्चे का पुराना रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है, मुझे बताएं, ठीक है। अब ये बंदा बोलता है कि जिस बच्चे का पुराना रिजल्ट शो कर रहा है मुझे बताएं, मतलब बच्चे ये आपसे पैसे ऐंठने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आप किसी भी ऐसे पर्सन के पास मत जाओ, ठीक है, जो बोल रहा है रिजल्ट हम आपका चेंज कर देंगे। देखो ये कह रहा है कि जिस बच्चे का पुराना रिजल्ट शो कर रहा है वो मुझे बताओ, मतलब बच्चे ये आपसे कुछ पैसे वैसे ऐठेगा, तो इसके पास आप मत कांटेक्ट करना, कहीं ना कहीं फ्रॉड। ये हर कमेंट में कोई आते हैं फ्रॉड करने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहे आप, ठीक है। तो ये बता दो, सर मेरे पुराने वाले मार्कशीट शो कर रहे हैं, ठीक है। बच्चा बोलता है, ऑब्वियस सी बात है यार, अप्रैल वाला मार्कशीट जुलाई में शो कर रहा है। देखो बच्चे, प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि कभी कभी क्या होता है, देखो अगर आप देखो मार्कशीट आया होगा आपके पास, दो डेट होगा, एक होगा अप्रैल डेट और एक होगा जुलाई डेट। अगर मार्कशीट में जुलाई डेट लिखा हुआ है एंड पुराना मार्क्स शो कर रहा है, तो बच्चे हम कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब आप फेल हो गए हैं, ठीक है। एंड मुझे भी लगता है यार, एनएवएस के अंदर थोड़ा दिक्कत तो है, मुझे ऐसा लगता है। कारण ये कि भाई पुराना रिजल्ट कैसे शो कर सकता है, पुराना मार्कशीट मार्क्स कैसे शो कर सकता है, क्या मार्क्स अपडेट नहीं हुआ, क्या मार्कशीट बच्चों का चेक नहीं हुआ, क्यों चेक नहीं हुआ, जो बच्चों ने आंसर शीट लिखा था वो चेक नहीं हुआ क्या? तो भाई अगर पुराना हमारा सेम मार्क्स शो कर रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन बच्चे आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो भाई एनएवएस डिसाइड करेगी, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ, अगर आपका जुलाई सेशन लिख के आ रहा है, जुलाई ब्लॉक लिख के आ रहा है, इसका मतलब आप फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट में। अगर SYC, SYC, SYCT, SYCP ये फिर लिख के आया है रिजल्ट में, ऐसा लिख के आया होगा, तो मतलब ये है कि आप बच्चे फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट के अंदर। और आपके पास चांस क्या है, तो बच्चे आप एग्जाम देंगे, लेकिन अब देंगे जब अक्टूबर का एग्जाम खत्म होगा, मतलब दिसंबर जनवरी में फिर से ऑन डिमांड एग्जाम स्टार्ट होगा, तब देंगे। तो बच्चा बोलेगा सर 12th 11th में एडमिशन कैसे मिलेगा, तो बच्चे नहीं मिलेगा एडमिशन, ठीक है, मतलब आपको ईयर वेस्ट हो गया, ठीक है बच्चे, अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि यार अब स्कूल में एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। रही बात दिल्ली NCR की बात करता हूं मैं, तो 25 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इससे पहले कैसे हमारा एग्जाम हो पाएगा, या फिर नया एग्जाम हो पाएगा, या नया रिजल्ट आ पाएगा, या नया एडमिशन हो पाएगा, तो पॉसिबल नहीं है बच्चे। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ यार, आपका वेस्ट हो गया है अगर जुलाई सेशन लिख के आया है। बाकी मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा, ठीक है, अगर आपके रिजल्ट में अप्रैल के बाद जुलाई ब्लॉक लिखा हुआ है, इसका मतलब बच्चे आप फेल हुए हैं, ठीक है, तो आप या तो आप रीवैल्यूएशन के लिए करा सकते हैं। बच्चे अगर दो तीन मार्क्स से फेल हुए हो तो आप रीवैल्यूएशन करा लो, मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन बच्चे 15-20-25 मार्क्स से फेल हुए हो, तो रीवैल्यूएशन के लिए 2500-1200-1500 खर्च मत करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ मत खर्च करो, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है, आपका पैसा भी वेस्ट होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, एंड बच्चे मतलब नहीं है कुछ बात का। 15 मार्क्स कभी भी रीवैल्यूएशन में नहीं बढ़ते हैं, 2-3 मार्क्स का फर्क होता तो कोई बड़ी बात है नहीं, बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे बच्चा बोलता है मेरा भी यही सवाल है। तो बच्चे मैंने आपको बता दिया क्या दिक्कत है, अगर सब्जेक्ट में अगर मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होगा आपके, एंड लिखा होगा अप्रैल सेशन, उसके बाद लिखा होगा जुलाई सेशन, अगर जुलाई लिखा है तो मतलब नया रिजल्ट है, और नहीं लिखा है तो मतलब ये ओल्ड वाला रिजल्ट है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, बच्चे बोलता है सर डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट कैसे करना है, ओके बच्चे आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है, डिजी लॉकर पे कि कैसे, जो बच्चा पास हुआ है उसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जाके 11th क्लास में एडमिशन ले लो, माता पिता के साथ जाइए स्कूल में, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी डिजी लॉकर, देखो दो तरीके सर्टिफिकेट लेने के, एक डिजी लॉकर और एक हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी आने में टाइम लगता है, लेकिन डिजी लॉकर आपको 2-4 दिन में आपको आपके डिजी लॉकर पे मिल जाएगा।
बाकी इसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे आपके लिए। आगे बात करते हैं, माइन इज शोइंग द नॉट फाउंड। बच्चे अगर रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है तो हो सकता है आपने एनरोलमेंट नंबर गलत डाला हो सकता है आपने कैप्चा गलत डाला हो, या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम कभी कभार आ जाता है एनआईएस के डेटाबेस। देखो यार, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डेटाबेस। देखो डेटाबेस होता है, डेटाबेस अगर ये टेक्निकल वर्ड है, डेटाबेस मतलब कि एक बार अगर बच्चों के लिस्ट का डेटा होता है, ठीक है, कभी कभी यहाँ से ना एरर शो कर जाता है, इसलिए आपका रिजल्ट शो नहीं कर रहा होगा। आप 2 से 4 घंटे बाद अगर आप ट्राई करोगे, ठीक है, तो आपका रिजल्ट शो कर गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अगर रिजल्ट शो नहीं कर रहा है तो कोई टेक्निकल एरर होगा, ठीक है, आप पेज को रिफ्रेश करो, आपका रिजल्ट शो कर जाएगा, ठीक है। एंड ये बच्चा पूछता है सर नेक्स्ट ऑन डिमांड कब होगा एंड सीनियर सेकेंडरी का, मतलब 12वीं क्लास का बच्चा है ये, कह रहा है 12वीं क्लास का ऑन डिमांड एग्जाम कब होगा। तो बच्चा बता दूं मैं आपको, 12वीं क्लास का ऑन डिमांड एग्जाम तभी होगा जब 10वीं का होगा, यानी कि जब अक्टूबर एग्जाम खत्म होगा। अक्टूबर का एकेडमिक एग्जाम चल रहे हैं अभी, जैसे एकेडमिक एग्जाम खत्म होगा बच्चे, तो नए एग्जाम शुरू हो जाएंगे ऑन डिमांड वाले, क्योंकि उसमें फिर अक्टूबर में जो बच्चे फेल्ड होंगे या फिर जो बच्चे कंपार्टमेंट आएगा जिस बच्चों का, तो उनके साथ आपका एग्जाम कराया जाएगा नवंबर दिसंबर जनवरी में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसका पोर्टल भी अक्टूबर के बाद ही खुलेगा, ठीक है बच्चे। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये बच्चा कहते हैं सर अगस्त वालों का कब आएगा, हमें कॉलेज में एडमिशन लेते लेट हो रहा है, TOC है मेरी, ठीक है। ये बच्चा मतलब 12वीं का है, ये 12th का बच्चा है, और ये बच्चा कहता है कि इसको कॉलेज में एडमिशन लेट हो जाएगा, इसका रिजल्ट कब आएगा। बच्चे आपने अगर अगस्त में एडमिशन एग्जाम दिया है, अगर आपने बच्चे अगस्त में एग्जाम दिया है, तो बच्चे आपका रिजल्ट अक्टूबर में आएगा, ठीक है, अक्टूबर 2024 में आएगा, ठीक है बच्चे। तो इस डेट पे आपका रिजल्ट आएगा। बाकी बच्चे मैं बात करता हूँ, एक मैंने बच्चे का मार्कशीट ले रखा है, अप्रैल वाला मार्कशीट और जुलाई वाला मार्कशीट, एंड मैं बताता हूँ प्रॉब्लम हुई क्या है, रियल प्रॉब्लम बच्चों को आ क्या रही है। देखो मैंने बच्चे का क्रेडेंशियल छुपा दिया है, नेम रोल नंबर सब कुछ छुपा रखा है, लेकिन आप मार्क्स पे फोकस करो। देखो बच्चे ये 10वीं क्लास का बच्चा है, संस्कृत, पेंटिंग, होम साइंस, हिंदी एंड सोशल साइंस। देखो इसमें पहले ये संस्कृत में फेल था, पेंटिंग और होम साइंस में पास था, बाकी 3 में फेल था, ठीक है। इसने दोबारा ऑन डिमांड पेपर दिया, तो ऑन डिमांड में क्या हुआ, बाकी तो 4 में पास हो गया, ठीक है, लेकिन सोशल साइंस में ये फिर से फेल हो गया। तो बच्चे इसका मतलब ये जेन्युइन रिजल्ट है, इसका मतलब ये जेन्युइन रिजल्ट है। क्यों भाई, देखो बच्चे कारण क्या है, बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ था, उसने ऑन डिमांड पेपर दिया, 2 सब्जेक्ट में पास हुआ, 1 में फेल हो गया। तो भाई बच्चा बोल रहा है सर ये पुराना मार्क्स ही शो कर रहा है। तो बच्चे पुराना मार्क्स शो करने का मतलब ये है कि हो सकता है आपका मार्क्स कम आए हो, आपने अच्छा नहीं अटेम्प्ट किया हो, ठीक है ना। तो बच्चे इस पे अब बच्चा बोल रहा होगा सर मैं रीवैल्यूएशन करा लूं। देखो बच्चे आपके 27 मार्क्स आए हैं, इंटरनल में 17 मार्क्स आए हैं, मतलब आपको पास होने के लिए बच्चे कम से कम अभी 10-12 मार्क्स और चाहिए, ठीक है। तो बच्चे अगर आपको इतने मार्क्स चाहिए तो अगर आप चाहते हैं रिवैल्यूएशन कराना तो करा सकते हैं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन वाला बच्चा है तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है सर 2-3 मार्क्स से ज्यादा मेरे नहीं आएंगे रिवैल्यूएशन में, तो बच्चे मत करा, 1200 रुपये वो भी वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, 1200 रुपये वो भी वेस्ट हो जाएंगे। एंड बच्चे अभी बात करता हूँ कि रिजल्ट आपको चेक कैसे करना है और रिवैल्यूएशन करना कैसे है। आइए आगे बात करते हैं। देखो बच्चे आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाकर लिखेंगे NIOS रिजल्ट, एंड ये पेज खुल जाता है, ठीक है। इस पेज में खुलेगा, जैसे ओपन होगा आप यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, आपका मार्कशीट शो कर जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ रिवैल्यूएशन कैसे होगा। तो बच्चे देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का ऑप्शन भी आ रहा है, रिवैल्यूएशन एंड रीचेक। तो आप जैसे रीचेक करवाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ आप डालेंगे एनरोलमेंट नंबर, एंड बच्चे जैसे सबमिट करेंगे तो आपके पास अदर ऑप्शन खुल जाएंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे प्राइस भी लिखा हुआ है, यहाँ पर रीचेकिंग रिवैल्यूएशन चार्जेस, सेकेंडरी के लिए 400 रुपये पर सब्जेक्ट, रिवैल्यूएशन के लिए 1000 रुपये पर सब्जेक्ट, सीनियर सेकेंडरी के लिए भी 400 रुपये पर सब्जेक्ट और 1000 रुपये पर सब्जेक्ट, ठीक है। बच्चे यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा कोर्स चेक कराना है तो सेकेंडरी के लिए 400 और रिवैल्यूएशन के लिए 1200, ठीक है। और ये ऑन डिमांड के लिए है, ये था पब्लिक एग्जाम के लिए, और ये ऑन डिमांड के लिए 1200 खर्चा आता है, ठीक है। मतलब चाहे 10वीं के हो चाहे 12वीं के हो, ऑन डिमांड एग्जाम का आपको रीचेक कराना है तो 1200 रुपये खर्चा आएगा आपका, ठीक है बच्चे। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, एंड मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँगा। एंड बच्चे जो बच्चा पास हुआ है उसको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, उसके लिए मैं वीडियो बता दूंगा, डिजी लॉकर से कैसे डाउनलोड करना है, हार्ड कॉपी कैसे मंगानी है। जो बच्चा फेल हुआ है उस बच्चे को बता दूंगा, बच्चे आपके पास चांसेस हैं, लेकिन बच्चे आपका एग्जाम अब नवंबर दिसंबर में होगा,
जब अक्टूबर का एग्जाम खत्म होगा। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया हूँगा और आपका डाउट भी क्लियर हो पाया होगा। ठीक है, तो बच्चे अगर आपका SYC, SYCT, SYCP आया है तो मतलब आप फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट के अंदर, एंड सिर्फ आपको उस सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो बच्चे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ उस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।